Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler's SOLIDWORKS tutorial series. So friends, आज के इस tutorial में हम बात करेंगे rib command की. Okay? So basically rib होती क्या है? Rib हम use करते हैं two bodies को support करने के लिए. कोई भी हमारे पास दो bodies होंगी, उन दोनों को support करने के लिए हम rib का use करते हैं. आइए देखते हैं किस तरह से. Like मेरे पास एक plate है. So, इसकी डायमेंशन हम रख लेते हैं 150 और इसकी हम रख लेते हैं 100 mm. इसे एक्सट्रूड कर देते हैं. So, as it is रहने दीजिए इसे. इसी फेस के ऊपर एक और स्केच क्रिएट करेंगे. एक रेक्टेंगल ये बनाएंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे. सो मान लीजिए हमारे पास ये 100 mm की लेंथ है. ओके, सो हमारे पास क्या ये टू बॉडीज हैं. सो रिब क्या होती है? इन दोनों बॉडीज को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो उसके लिए रिब बनाने के लिए हमें क्या करना है? स्केच क्रिएट करना है. तो स्केच कहाँ पे क्रिएट होगा? बिल्कुल सेंटर पे. सो आप सेंटर देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है. देखिए सेंटर जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए, सेंटर पे अगर प्लेन चाहिए या कहीं पे भी प्लेन चाहिए, सो आप पहले उसे चेक कीजिए कि आपकी एग्जिस्टिंग प्लेन वहां पे आ रही है कि नहीं आ रही है. सो अगर जैसे मान लीजिए मुझे सेंटर पे प्लेन चाहिए, तो टॉप प्लेन मेरा बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, तो मुझे किसी भी प्लेन की नीड नहीं है. सो यहीं से मैं इसे स्केच ऑन करूंगा और यहां से हमने क्या करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर एक स्केच क्रिएट करना है, एक लाइन क्रिएट करनी है और एग्जिट. देन इसके बाद रिब अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट द स्केच. सो आप देख सकते हो एक प्रोफाइल आपके पास प्रीव्यू हो रही है. सो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली ओके कर देंगे. तो क्या कह रहा है अभी, फेल टू क्रिएट द रिब फीचर. क्यों ये फेल दिखा रहा है? बिकॉज हमारा जो रिब है वो मटीरियल साइड चाहिए हमें, तो ये जो है आउटसाइड जा रहा है. सो हम क्या कर सकते हैं, या तो फ्लिप मटेरियल साइड यहां से कर सकते हैं, या फिर हम एरो को प्रेस करके इसे डाउनवर्ड साइड कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टिक हो गया और ये जो मेरा एरो है ये भी मटेरियल साइड आ गया. अब इसमें क्या है, इसे जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो रिब क्रिएट हो गया. ओके, एडिट करके देखते हैं इसमें और क्या क्या अवेलेबल है. लाइक हमारे पास थिकनेस आ रही है. ठीक है, सो थिकनेस में हमारे पास क्या है, आपको अगर इस साइड चाहिए, वन साइड चाहिए, तो आप इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल सेंटर भी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. और थिकनेस की आप यहाँ पे विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं. लाइक मुझे 20 mm चाहिए, लाइक मुझे यहाँ पे 50 mm चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी विड्थ को भी डिफाइन कर सकते हैं, थिकनेस को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो इस तरह से आपके पास ये रिब क्रिएट हो जाएगा. ओके, सो रिब को डिलीट करते हैं. यहाँ पे एक चीज और क्रिएट करते हैं. लाइक मेरे पास यहाँ पे फिलेट है, सो मैं यहाँ पे फिलेट क्रिएट कर लेता हूँ. लाइक मेरे पास 30 mm की फिलेट है, तो यहाँ पे 30 mm की फिलेट मेरे पास क्रिएट हो गया. सो क्या अब ये क्रिएट करेगा रिब इसी प्रोफाइल के साथ रिब बनाएगा? यस, देखते हैं. रिब सिलेक्ट द स्केच और फ्लिप टू मटेरियल साइड, सेंटर पे रहने दीजिए और थिकनेस आपके पास 50 mm है. चाहे तो इसे आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए प्रोफाइल के साथ ही ये बिल्कुल रिब क्रिएट कर रहा है. ओके, सो इस तरह से आप इस रिब को क्रिएट कर सकते हैं. अगेन मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ. एक और ऑप्शन देखते हैं, फिलेट भी डिलीट करते हैं और इस रेक्टेंगल को भी यहाँ पे डिलीट करते हैं, स्केच को भी डिलीट कर देते हैं. अब इस प्लेट के ऊपर एक मैं सर्कल क्रिएट करूंगा, सिलेंडर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे. सो सेंटर से लेकर यहां तक एक सर्कल और इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन.
हाइट चाहिए तो इसकी आप ज्यादा भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इस कंसेप्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके सो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम सेम वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। लाइक मेरे पास टॉप लेन मिड, टॉप लेन जो है वो मिड प्लेन आ रहा है, सो यहाँ से हम स्केच ऑन करेंगे, नॉर्मल करेंगे और यहाँ पे हम स्केच क्रिएट करेंगे एंड टू एंड। ओके सो जो हमने लास्ट केस देखा उसमें क्या था हमारे पास, यहाँ पे जो प्लेट थी वो फ्लैट थी हमारे पास, अब यहाँ पे सिलेंडर है। सिलेंडर के केस में रिब जो है वो डिफरेंट क्रिएट होगा, अब देखते हैं वो किस तरह से। फीचर रिब और स्केच सिलेक्ट किया, प्रीव्यू अभी भी दिखा रहा है मेरे को, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ रहा है, ये देखिए गैप आ रहा है ना। सो देखते हैं ये क्रिएट होता है कि नहीं होता। सो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे दिखा रहा है द रिजल्टिंग रिब डिड नॉट इंटरसेक्ट द एग्जिस्टिंग मॉडल। सो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बिकॉज जो मेरे ये ऑब्जेक्ट है वो राउंड शेप में है, तो जो रिब है वो क्या करता है, बिल्कुल स्ट्रेट प्रोफाइल क्रिएट करता है। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं स्केच को एडिट करूंगा और इस लाइन को मैं हल्का सा इस के परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये मेरा एक स्केच क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिब क्रिएट करके देखते हैं हमारी रिब क्रिएट होती है या नहीं, तो सिलेक्ट स्केच करेंगे। सो इस टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोफाइल शो कर रहा है, तो जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास ये रिब क्रिएट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, सिलेंडर के केस में आपने क्या करना है, ये स्केच को परपेंडिकुलर आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना, चाहे तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी आपके पास बॉडी है, या तो आप इसको मिनिमम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो ये वाला कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस में जो हमने पिछला केस किया था उसमें एक फ्लैट प्लेट थी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब भी आपके पास सर्कुलर बॉडी आएगी वहां पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो आप इस तरह से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके सो आई होप फ्रेंड्स आपको रिब कमांड अच्छे से समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।